तो इसमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन फाइव। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे, जैसे कि ए मैंने किया और ये मतलब कि बी है ये, ठीक है, तो बी मैंने किया तो सी डी ई एफ जो है उसको आप खुद से बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ वो बी सी डी इस तरह खुद बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना स्टैंडर्ड क्लास का नहीं है, 11-12 का जो मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो अगर 10 क्लास में भी रहते तो 10 क्लास में सारा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो आप इसमें क्या करना, आपको अगर उसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे शुरू करता सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व क्या करना है, 24 एक बार 2 कर सकते हो आप, यहाँ काट दीजिए तो आपका 12, मतलब कि 12 हो गया इसका। और फिर यहाँ दूसरा का क्या करना है, 46 एक बाय 2, इसका कितना आ गया 2/3, मतलब इसका 20/3 एक आंसर आ गया। तो आप इस तरह करके बना सकते हैं क्वेश्चन, भी बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ क्या करूँ, 18 लिखा, गुना का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना, का जहाँ लिखा है वो समझिएगा कि गुना है, ठीक है, 2/3। दूसरा का भी उतारिए, 27 का मतलब क्या होता है, गुना, 2/3, भुलाइएगा नहीं, ठीक है, आप इसको कर दीजिए। 12 हो गया इसका, इसको कर दीजिए 9 तो नहीं, 18, मतलब कि फर्स्ट का 12 सेकेंड का 18, मतलब ए में जो आया 12-18 आया और बी सॉरी ए में जो आया 12-23 आया और बी में क्या आया 12-18 आया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इस तरह भी ई बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ई खुद से बनाइए। अब मैं क्वेश्चन चलता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। बाकी जो ए बी बना दिया तो सी डी ई एफ, बाकी आप इसी तरह उसको भी बनाइएगा, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है आपका, गुना करना है इसके भिन्न, इसके निम्न मतलब गुना करना है, मिश्रित भिन्न लिखना है। तो आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा है 3×5 पूर्णांक 1/5, ये दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए आप ध्यान से मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपको क्या करना क्या, पहले 5×5 से कीजिए 25, उसको 1/8 कीजिए 26/5, अब ये 3 बचा तो आप उसको 3 लिख दीजिए। अब इसको 26 को गुना 3 से कीजिए 78/5, उसको डिवाइड कर दीजिए 15×3/5, जैसे कि मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, 4 को गुना 6 से कर रहा हूं, मतलब 24/4 राइट, सॉरी आपको 8 भी करना है, ठीक है। तो 4×6 से कर रहा हूं तो 24, उसमें 3×8 करना है मतलब 27, और जो ये पहले वाला बचा था उसको मैंने लिख दिया। अब गुना कीजिए इसको और इसको गुना कर दीजिए, मतलब कि 27 को गुना 5 से कीजिए तो अब कितना बचेगा, अब गुना कीजिए 35 मतलब कि 4, इसमें कहीं कंफ्यूजन आप लोग को नहीं ना, और इसको भागा दे दीजिए आप, एक भाग दीजिए, मैं भागा भागा बोल रहा हूँ, भाग इसको कहते हैं, ठीक है। तो 4 बार में जाएगा 12/15 मतलब कि फिर कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और फिर यहाँ 4 बनाए 3 ही बार में जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, मतलब कि 33×15 15/4 आंसर मैचिंग, सॉरी हाँ ऊपर कितना है 3 आ रहा है 33, अच्छा घटाना पड़ेगा 12, तो इसको 3 तो ऊपर 3 आएगा। बात समझ आ रही है, कैसे आया, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं ना। मैंने क्या किया कि पहले मैंने इसको और इसको गुना किया 24, फिर 24 को ऐड किया 23 में तो 27/4, फिर जो 5 बचा 5 को मैंने वहां पे उसी तरह लिख दिया, क्योंकि पहले ये नजदीक था तो पहले मैंने इसका काम किया, इसका काम करने के बाद फिर मैं इसका काम करूंगा, तो मैंने यहां कर दिया। मैंने इसको काम करने के बाद, इसका काम तमाम होने के बाद मैंने इसको लिख दिया, फिर इसको और इसको गुना कर दिया, फिर इतना आया, फिर इसको इसको भाग कर दिया आंसर। तो क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, और नहीं समझ आता है तो फिर आप कमेंट भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, तो आधा मैंने सॉल्व कर लिया, तो करना कैसे आप लोग देखिएगा
कि आपको करना कुछ नहीं है, बस ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन ऐसा और क्वेश्चन बनाया था, तो लगता है मैंने ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे बनाया पता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया था। तो उसी प्रकार इसको बनाया था, होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी भी सॉल्व उसी तरह करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, आप क्या कीजिएगा, पहले का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया, का मतलब गुना होता है। जहां पे आपको का मिलता है लिखा हुआ वहां समझिएगा कि गुना, अगर आप हिंदी में मिलता है तो मतलब कि अगर स्टोरी पढ़े, अगर स्टोरी में अगर मिलता है वहां पे का लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि गुना, बट मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर मैथ में का लिखा हुआ है तो गुना का मतलब वहां गुना का करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले नंबर आप 2 बाय पहले आप जो पूर्णांक है उसको बाहर कीजिए पूर्णांक से। तो अगर 4 का पहाड़ अगर 2 का पढ़ेंगे, मतलब 4 का टेबल अगर 2 का पढ़ते हैं 2 बाय, तो 11 आ रहा है, 11 आ रहा है क्या, नहीं ना 8 आ रहा है, बट उसमें 8 कितना करना है, 3 करना है, तो अब 11 आ जाएगा, बाय में 4 का है, तो इसका मतलब यहाँ गुना है, ठीक है, 1/2, बिकॉज यह पूर्णांक में है, नहीं तो इसको हम उसी तरह उतार देंगे। जब आप यहाँ देखिएगा कट नहीं रहे, तो कभी भी जब भी गुना किया जाता है तो ऊपर का अंक ऊपर अंक से गुना किया जाता है, नीचे का अंक नीचे वाला अंक से गुना किया जाता है। आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, बट अभी अगर वह अगर इजोकल मतलब बराबर में हो तो आप उसको गुना कर सकते हैं क्रॉस गुना, लेकिन यहाँ गुना का चिन्ह दिया है तो आपको ऊपर और ऊपर का गुना ऊपर से करना है, नीचे का अंक की गुना निचला अंक से करना है, कहीं कंफ्यूजन आप नहीं ना। क्रॉस गुना भी किया जाता है, बट अगर बराबर में जैसे 11/4 हो बराबर 1/2 हो तो आप क्रॉस गुना कर सकते थे, बट अगर गुना का चिन्ह है तो आप गुना मतलब कि आपको ऊपर का अंक या ऊपर का संख से गुना करना पड़ेगा, कहीं भी आप कंफ्यूजन नहीं ना। तो 11/8 आ गया, तो जब इसको पूर्णांक से बाहर कीजिएगा, वन सेकेंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं ना। तो आप जब इसको गुणा के बाहर निकालेगा तो 1 पूर्णांक 3/8 आएगा, इसका पूर्णांक से बाहर करने के बाद। फिर इसको भी मैंने किया बाहर पूर्णांक से किया, तो आप देखिए 9 का टेबल 4 में पड़ा 36, उसको मैं 2/8 किया 38/9 गुना 1/2, इसको मैंने काट दिया 119, मतलब कि 19 और फिर 19। तो यहाँ पे आप इसको पूर्णांक से बाहर करने करेंगे तो इसका पूर्णांक, अगर सॉरी पूर्णांक से बाहर नहीं करना, आपको पूर्णांक में लिखना है। तो जब आप इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो 2 पूर्णांक 1 बनाया, अगर यह सही है या जो मैंने पूर्णांक लिखा है वह सही है या गलत, इसको पता कैसे करना है, बस टेबल पढ़िए ना, 9 का टेबल 2 का पढ़िए 18 हो गया, और 1 2 जोड़ दीजिए 1 मतलब कि 19/9। तो मेरे पास पहले से भी था ना 19/9, तो करेक्ट, इसका मतलब ये जो मैंने बनाया क्या है सही है। और क्वेश्चन नंबर बी में देखता हूँ तो शायद ये कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं, वन सेकेंड में देख रहा हूँ, तो कुछ कवर हो रहा है तो मैंने वहां तक सॉल्व कर देता हूँ, बाकी इधर उधर लिखता हूँ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप पहले पूर्णांक से बात कीजिए कितना आएगा, 18 होगा, फिर उसमें 5 जो एड कीजिए 23 आएगा, बाय 6 5/8 सेकेंड फर्स्ट है ना, इस तरह करके दिया हुआ ना, सब सेकंड करना है। 3 का टेबल 9 बढ़ा है 27, उसमें 8 करना है 2, मतलब 29 = 3 का मतलब गुना है 5/8। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ का वहाँ क्या करना है, गुना गुना करना है, ठीक है। तो शायद ये यहाँ कवर हो रहा है, मैं लिख के देखता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 28 को आप 23 को आप कट रहेगा कहीं, देखिए कट कर नहीं कट तो नहीं रहा, तो जब नहीं कट रहा तो आप गुना कर दीजिए, जैसे कि 3 का टेबल 5 बढ़ रही है 5 मतलब 15 आएगा ना, मतलब कि 6 का टेबल जब 8 पड़ेगा तो कितना आएगा, राइट। आप इसको भी यहां क्या करना है, दूसरा और ये फर्स्ट है, राइट, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं ना है। अब 29 को गुना करना 5 से, तो 5 होगा पहला नंबर, अब कहीं डाउट नहीं ना। तो मैं देख रहा हूं कि मैं जो गुना कर रहा हूं वो सही है या गलत है, और मुझे नहीं लगता है गलत है, अगर गलत ही रहेगा तो कैसे रहेगा, 24 28, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं ना है। तो आप इसको पहले पूर्णांक से बाहर करिए, तो मैं इसके पूर्णांक से बाहर कर रहा हूँ, मतलब पूर्णांक से बाहर मैं बार बार बोल रहा हूँ पूर्णांक से बाहर करने, बिकॉज हमको पूर्णांक में लाना है, पूर्णांक से बाहर क्यों करें, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, 48। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे गुणा भाग दीजिए इसको, तो आप 2 से भी दे सकते हो, 2 से दीजिएगा तो कितना आएगा,
दो से दे रहा हूँ, ठीक है ना, दो से देना है। दो से देने के बाद में वीडियो क्वेश्चन नंबर बी, इसको प्रोनाउंस से जब बात करने के बाद इसका करेक्ट आंसर, सॉरी मैं देख रहा हूँ कवर हो रहा है या नहीं, मैं नहीं कवर नहीं हो रहा है ना। तो वन सेकेंड आप पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन ए जो है ना तो उसको मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, ठीक है, बगल में कवर हो ही जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में, ध्यान रखिएगा। तो सॉरी कितने कितना लिखा था, वन, हाँ अब आ गया। सेकेंड क्या हुआ था, तो इसको जब मैंने पूर्णांक में लिखा तो टू पूर्णांक 19/48, इसको जब मैंने लिखा 6/1/24, मतलब ये करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कहीं बार कंफ्यूजन नहीं ना, तो मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में और कहीं कंफ्यूजन होगा आप लोग को। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट करता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8 और लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो मैं क्वेश्चन जो है ना मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो वहाँ पे मैं सिर्फ समझने के लिए कहूँ। तो क्या बोला है, बोला है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर वाली पानी का एक बोतल दिया, विद्या ने कुल पानी जो था उनका 2/7 भाग जो है ना उसका उपयोग किया, शेष पानी का प्रताप ने पिया। तो इसका सियोली इसका आंसर क्या करना, मैं आप ही लोग से पूछता हूँ कि अगर मैंने आपको आप लोग के पास 5 सेब लाए, उनमें से मैंने आपको 2 सेब दिए, बताइए मैंने आपको कितने सेब दिए, 2 सेब दिए, तो आपको अब मैं पूछूंगा कि अब मैंने आपको कितने सेब दिए, कितने दिए, 2 ही दिए ना। तो यही इसमें भी पूछा गया है, तो विद्या ने कितना पानी पिया, जबकि यहाँ बोल रहा है विद्या ने कुल पानी कितना उपयोग किया, 2/5 भाग उपयोग किया। तो सियोरली इसको सॉल्व नहीं करना, आप सिंपल यहाँ आंसर लिख सकते हो कि विद्या ने पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, राइट, 2 आंसर। अब समझ में आया, किसी को कंफ्यूजन है इसमें, नहीं ना, मैं तो वही बोल रहा हूं ना यहाँ पे कि मैंने आप लोग को पास मतलब पिकनिक बनाने गया और वहां पे मैंने 5 सेब ले लिया, मैंने बोला आप लोग को जैसे कि कोई मैंने आपको 2 फल दे दिया और मैंने ही पूछ दिया कि आपको कितने फल दिए, 2 फल दिए, तो इजीली यहाँ पे भी करना है आप लोग को कि यहाँ तो विद्या उसकी माँ थी जो उसको खुद विद्या ने बोल दिया, तो विद्या ने कितना खर्चा किया तो आंसर में ही बोल दिया कि वह जो 2/5 भाग उपयोग कर लिया, तो कितना किया था, 2/5 भाग उपयोग कर लिया था, तो विद्या ने कितना पानी पिया, 2/5 भाग, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है ना 2/5, तो यहाँ भी वही होगा ना। अब दूसरा क्या बोला है, पानी की कुल मात्रा कितना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड है, 8 का सेकंड, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है आप लोग को, हाँ कर रहा है, तो इसको इजीली हम सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं अब बताता हूँ, मैंने आप कितने फल दिए थे, मतलब मेरे पास कितना था 5, तो आपको मैंने कितना दिया, 2, तो बचा कितना मेरे पास, 3, तो यहाँ पे वही बोला जब विद्या ने 2/5 भाग उपयोग कर लिया तो कितना बचा, फिर प्रताप कितना यूज करेगा, 3 ही भाग ना यूज कर पाएगा, 3/5 भाग ही ना यूज कर पाएगा, क्यों से अधिक, क्योंकि तो टोटल पानी जो था वो 5 ही लीटर था, तो 2 ही लीटर यूज करेगी, सॉरी 3 ही लीटर, क्योंकि 2 लीटर कौन यूज कर लिया, विद्या यूज कर लिया। तो चलो विद्या लड़का नाम है, लड़की को मुझे पता नहीं, ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व करो, और नाम है आप क्वेश्चन भी पढ़ के पता कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो आपको इसको करना क्या, भिन्न का घटा, मुझे घटाना है, क्या करना है,
आपको क्या करना है इसमें घटा देना है। तो चलो शुरू करो घटाना। तो 5/2 = 2/1, तो आप इसका ऐसे लिखिएगा तो 2 आएगा, फिर 5 पास जाएगा इधर और इधर 2, मतलब कि आपका अगर इसको भीम का घटाव भी करके बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बना के ही आप लोग को दे देता हूँ क्वेश्चन का सॉल्व कैसे हुआ। बस देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, आपको क्या करना है घटाना है, क्योंकि अगर 5 भाग उसका यूज कर लिया, सॉरी 2 भाग अगर वो यूज कर लिया तो बचा ही तो सियोरली 3 ही ना। लास्ट सेकंड में तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और फर्स्ट सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिए।